हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नसीब का खेल। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे, दीपू, संजू और राम। ये उन तीनों के नाम थे। दीपू और संजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे। राम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी आसमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ राम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज्यादा धनवान बनते चले गए। राम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपू और संजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100-100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और राम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। राम ने 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव में कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। राम ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपू और संजू राम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें राम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर राम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। संजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपू ने उसका विश्वास कर लिया। दीपू ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपू और संजू के जाने के बाद राम ने सोचा कि अभी काफी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा न सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूंगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। राम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसा नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। राम आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दीपू और संजू राम को मिलने आए, तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपू और संजू के पूछने से पहले ही राम ने अपने साथ घटित घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला, तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो, अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफी नुकसान होता रहता है। संजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने राम को वह सुई दे दी। संजू और दीपू के जाने के बाद राम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीबी उनके घर आई और सुई मांगने लगी।
वह बोली, मेरे पति को मछलियां पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। राम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। राम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। राम को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर राम को 20,000 सोने की मोहरे मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफी सारी खेती करने लायक जमीन, एक बगीचा भी, साथ में कई गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद उसके दोनों दोस्त दीपू और संजू उससे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपू को राम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से राम ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। पर संजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उस सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। राम ने अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली पोटली थी, जिसे कभी एक चील राम के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब राम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो राम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौटकर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से राम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।